अस्सलाम वालेकुम। आज को नैन किचन में हम बनाने लगे हैं स्टीम चिकन। स्टीम चिकन के लिए मैंने लिया है चिकन, मैंने हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 kg मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने धो के अच्छे से एक बास्केट में रख दिया था ताकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा जितना पानी है सारा स्टेन हो जाए। अब इसको मसाले लगाएंगे। एक बाउल ले लिया मैंने, 2 tablespoon इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना कुटा जीरा और खुश धनिया 1 teaspoon, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 tablespoon में इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करूंगी, 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी, 4 tablespoon सिरका ऐड करूंगी, सोया सॉस वो भी 4 tablespoon। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें कोई दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसमें दही वगैरह नहीं जाएगी। बहुत मजे का ये स्टीम रोस्ट बनता है। 1 चुटकी मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी। मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जर्दे का कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया। अब जितना चिकन है सब इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे मैंने कट्स नहीं लगाए थे, उसको इस तरीके से आप इसको चिकन लेग्स पे इस तरीके से कट्स लगा दीजिएगा ताकि इस पे अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर्स आ जाएं और जब हम स्टीम करें चिकन को तो वो अंदर से भी कुक हो जाए। बड़ी वाली साइड पे हम 3 कट लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम 2 कट लगाएंगे इस तरीके से। इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से सारे मसाले चिकन में मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से सब चिकन के ऊपर लगा दीजिएगा। मैंने इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया, मैंने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया, इसलिए जो हमें लेमन से खट्टापन चाहिए वो सारा खट्टापन जो है वो चाट मसाले से और सिरके से आ जाए। मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं तकरीबन 2 घंटों के लिए। अगर आपने अगले दिन के लिए बनाना हो या किसी दावत वगैरह के लिए बनाना हो तो आप इसको ओवरनाइट रखिएगा, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमने अभी बनाना है तो इसलिए मैं इसको 2 घंटों के लिए रखूंगी। 2 घंटे के बाद दिखाते हैं आपको। जी 2 घंटे हो गए हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैंने एक ऑयल पेपर ले लिए, ठीक है जी, मैं ऑयल पेपर को कट कर लूंगी। आपसे फाइन कटिंग ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसको सीधा कर लेंगे। अब जितना चिकन है सारा इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रखना है, जितना मसाला है वो भी सारा इसके ऊपर डाल देंगे, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब मैं सारी साइड से इनको कवर करती जाऊंगी इसको इस तरह ताकि किसी साइड से भी ये खुला ना रह जाए। ठीक है, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया। अब मैं इसको बेक करने के लिए एक बर्तन ले लें, उसके ऊपर नमक बिछा दें, उसके ऊपर एक स्टैंड रखें और स्टैंड के ऊपर हम ये रख देंगे अपना। ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिए इसको, आप अच्छे से देख लें। अब मैं इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी। 1/2 घंटे में इंशाल्लाह ये हमारा अच्छे से स्टीम हो जाएगा। 30 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इसको चेक करती हूँ। मैंने इसको ओपन किया। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर आया। अब इसको ना नाइफ से चेक करती हैं कि हमारा चिकन जो है वो हो चुका है। ये देखिए कितनी ईजीली हमारी नाइफ जो है वो अंदर जा रही है। ये देखें ये बिल्कुल हो चुका है। इसको बाहर निकालते हैं। ये देखिए अब मैं इसको निकालती हूँ, इसलिए जो पानी छोड़ा है हम उसको भी यूज करेंगे। आप जब उसको सर्व करेंगे
बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखें, ये पानी इसका जो है वो वेस्ट नहीं होगा, इसमें सब फ्लेवर्स आ चुके हुए हैं। ये देखें, मैं इसको इस पे रखती जा रही हूँ और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। ये देखें, आप लोग चाहें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई ये स्टीम चिकन है तो इसलिए इसको स्टीम किया जाता है। अब मैं इसका जो पानी है उसको साइड पे एक प्याली में निकाल लूंगी और इसके साथ हम इसको भी सर्व करेंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी हसीन लग रही है। बहुत मजे का बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।